फाइनली अभी पहुंच गए हैं जहां हमें आना था ज़ियारत के बाद, मंचर झील। और मंचर झील जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी लेक है ये, और 15 मीटर कुछ डेप्थ है इसकी ना। एशिया की कोई लार्जेस्ट लेक में से आती है, जो फ्रेश वाटर की कुदरती लेक है जिसको कहते हैं। ठीक है, चले आए आपको दिखाते हैं हम लेक। ये देखें जी, ये है वो लेक। ये लेक देखें आप, कितनी बड़ी लेक है ये, बहुत जबरदस्त। मतलब जहां देखो सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है दूर दूर तक ना, जहाँ किनारे पे हम खड़े हैं। ये देखें, ये किनारे पे हम चल रहे हैं, ये नीचे स्लोप है और इधर नेवले भी बहुत क्वांटिटी में इधर पहाड़ों के पत्थरों के अंदर ना भी आबाद है अगर आप। हाँ अच्छा, ये इसके बैक साइड पे ना एक छोटा सा विलेज भी बना हुआ है। विलेज अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं तो ये इस तरफ एक छोटा सा विलेज है, ये छोटा सा विलेज बना हुआ है। बहुत खूबसूरत व्यू है एक विलेज का, पीछे बड़ी सी लेक का। अमेजिंग यार, बहुत जबरदस्त लगा देख के। मतलब वसूल हो गया, जिसको कहते हैं ना वसूल हो जाना, तो बस ये वसूल हो गया। इतना लंबा सफर करके आए हम, रात को 2 बजे निकले थे, हमने अपना सफर स्टार्ट किया था रात को 2 बजे, और अभी कुछ टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11-12 का टाइम हो रहा है, और आज जो है दिन हफ्ते का है और तारीख है आज अपना 7 तारीख। आसिफ भाई 7 तारीख है आज जी, 7 तारीख है आज, और मंझर झील पे हम वॉक करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं साहिब वो गाड़ी लेके आगे चले गए, तो हम लोग वॉक करते हुए मंझर झील का नज़ारा करते हुए आगे जा रहे हैं। ये साई हैं हमारे, ये मंझर झील पे ही रहते हैं, और ये मेरे ख्याल से पीछे मस्जिद भी है, वहाँ पे भी होते हैं। तो साई ये अभी झील मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी कम नहीं हो गई है? हाँ हाँ थोड़ी कम हो गई है ना? कम हो गई है। हाँ, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये एशिया की तकरीबन सबसे बड़ी लेक है, झील है, झील है बड़ी, और हाँ 350 स्क्वायर मीटर कुछ लंबी है, यानी कि कोई अगर आप देखें तो दूर दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है कहीं। मेरे ख्याल से आगे कोना तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा वहाँ पे पानी का। यहाँ पे 7 जिला है, वहाँ से जो जिला से लगती है यहाँ से। अच्छा अच्छा, 2 जिले में लगती है पानी, क्या बात है। पानी जो है ना सारा गंदा है। अच्छा तो गंदा क्यों हो गया है पानी? ये तो फ्रेश वाटर के नाम से मशहूर है ये, भाई वो ठंडा नाल जो आता है ना उसमें गंदा है, इसको गंदा कहते हैं। ओहो हो, वहाँ से नाला मिला रहे हैं इसमें। यानी कि आपकी अब्दुल्ला शाह ने मुराद शाह ने मिलाया, मुराद अली शाह साहब ने मिला दिया। अब्दुल्ला शाह ने पहले, अब्दुल्ला शाह पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, हुक्मरान ने कुछ भी कम नहीं किया। ओहो हो, चले जी ये देखें, ये हमने गांव के कुछ लोगों से बात की और ये बता रहे हैं कि ये लेक का पानी जो है ना अब थोड़ा गंदा हो गया है, क्योंकि इसमें आगे कोई नाला जो है वो मेरे ख्याल से इसमें इन कर दिया है। जैसे समंदर में छोड़ते हैं, कराची में जो सीवीयू का हाल हुआ है पानी गंदा हो गया है, वैसे ये मंचर झील का हाल यहाँ पे कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसा गंदा हाल हो गया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास इतनी बड़ी लेक है और हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, जबकि फ्रेश वाटर है और मशहूर है इसके बारे में विकिपीडिया पे है, नेट पे है, कि ये एशिया की सबसे बड़ी लेक और सबसे फ्रेश वाटर है। क्या कह रहे हैं आसिफ भाई? बगला स्विमिंग कर रहा है वो मेरे पीछे जो है ना, उस तरफ एक बगला स्विमिंग कर रहा है।